उज्जैन के भूखी माता क्षेत्र में खान डायवर्जन लाइन फूटने से गंभीर डैम की काफी नुकसान हुआ है। लाइन में लीकेज होने के कारण किसान के खेत में एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिसके कारण गेहूं का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। डैम की लाइन फूटने से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जल सप्लाई नहीं होगी। घटना की जानकारी लगने पर उज्जैन कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और एचडीए के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उज्जैन के भूखी माता क्षेत्र के खेतों से खान डायवर्जन की लाइन बिछाई गई थी। यह लाइन करीब 40 फीट नीचे गड़ी गई है। लाइन में लीकेज होने के कारण एकदम मिट्टी धस गई। वहीं मिट्टी धसने से किसान के खेत में 20 फीट गहरा एवं 25 फीट चौड़ा गड्ढा निर्मित हो गया। खान डायवर्जन की लाइन में लीकेज होने के कारण यह हादसा बताया जा रहा है। खान डायवर्जन की लाइन के ऊपर गंभीर डैम से गौघाट प्लांट तक पहुंचने वाली 800 mm व्यास वाली लाइन की क्षतिग्रस्त हो गई है। लाइन क्षतिग्रस्त होने से लाखों गैलन पानी बह गया। गंभीर की पाइपलाइन टूटने के कारण उज्जैन शहर के दक्षिण विधानसभा में जल की आपूर्ति नहीं हो सकेगी। यह हमारा भूखी माता क्षेत्र में है, जहाँ पर खान डायवर्सन की जो पाइपलाइन डली हुई है, वो पाइपलाइन को सही से जोड़ा नहीं गया था जिस समय काम हुआ था, तो उसके कारण से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। और हमारे पीएचई की जो 800 एमएम की जो पाइपलाइन है, जिसके माध्यम से गौघाट पर पानी जाता है, वो टूट गई है। उसके कारण से प्लांट में पानी भी नहीं जा पाएगा और वहाँ पर लोगों को हम सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे जब तक ये लाइन नहीं जुड़ जाती है। तो खान डायवर्सन ने जगह जगह जो काम किए हैं, जो ठीक से काम नहीं किए हैं, उसके कारण पूरे खेतों में यहाँ पे जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और खेतों के अंदर भी वो गंदा पानी निकल करके आता है। और आज तो यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि हमारी लाइन भी टूट गई है और ये भी हो गया, तो सारे अधिकारियों को यहाँ बुलाया है, इसको तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए हैं ताकि हम लोगों को जल प्रदाय समय पर कर सकें। जो खेत का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? खेत का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए भी शासन को निर्देशित करेंगे। अभी SDM उनको हमारे खेत के यहाँ पे यादव जी हैं, वो भी बता रहे हैं, तो वो भी बात करेंगे और उनको उनका जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। कम से कम 25 से 30 दिन से गड्ढा हो रहा है और ये खान की लाइन है और ये गड्ढा इतना बढ़ गया कि मतलब आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ। इसमें फसल में क्या क्या नुकसान? मेरी फसल ये बैठी रही है, आपके सामने दिखी रही है। मुआवजे की बात करें तो आपको क्या मुआवजा? मुआवजा ये है कि अब ये इसको भरने का कार्यक्रम होएगा तो ये JCP है, डंपर है, ये जो चलेंगे तो मेरा ये तो मतलब 2-3 बीघा जमीन तो डैमेज होगी। और मेरे को कोई मतलब आपसी विवाद के कारण सरकारी मुआवजा तो मिलता है नहीं, वो लोग दस्तखत करते नहीं है, तो मेरे इसकी मुआवजे की जो भरपाई है यहीं करी जाए जब भी काम चलेगा। खान डायवर्जन की जो पाइपलाइन थी, वो पाइपलाइन में रिसाव हुआ है, वो पाइपलाइन टूटी है, जिस वजह से ऊपर की जो मिट्टी थी वो पूरी धस गई है और खान डायवर्जन की पाइपलाइन से ऊपर जो पेयजल की पाइपलाइन थी नगर निगम की, वो भी टूट गई है, जिस वजह से पानी के सप्लाई प्रभावित हो रहा है। तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि पेयजल की लाइन को रिस्टोर किया जाए और पानी की सप्लाई रिस्टोर की जाए। कैसे किया जाएगा और कितने घंटों में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बड़ी समस्या है कि दक्षिण क्षेत्र में पानी की सप्लाई रुकी हुई है। निश्चित तौर पर हम लोग पूरा अमला लगा रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि हम लोग 15 से 16 घंटे में इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करें, जिसमें जितनी भी JCB, डंपर, पोकलेन वगैरह लगेंगे, सबको मल्टीपल ट्रिप्स करवा करके और रिसोर्सेज बढ़ा करके कार्य करवाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द पूरा पाइपलाइन रिस्टोरेशन हो। सर, जो पाइपलाइन डली थी उस समय जो अधिकारी थे उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दूसरी बार इस तरह की घटना हो रही है? देखिए, कान डाइवर्जन को लेकर के निश्चित तौर पर बहुत इश्यूज़ सामने आ रहे हैं, इसमें इसका एंड टू एंड पूरा स्टडी भी किया जा रहा है और यदि लापरवाही पाई जाती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि कार्रवाई भी की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।